मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजानी पार्क में चल रहा अतिथि विद्वानों का प्रदर्शन आज 72वें दिन अचानक सुर्खियों में आ गया। छिंदवाड़ा की महिला अतिथि विद्वान ने भोपाल आकर मुंडन कराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को इसका दोषी बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। मुंडन कराने वाली महिला अतिथि विद्वान का नाम डॉक्टर शाहीन खान है। वो उमरिया के एक शासकीय विद्यालय में हिंदी की अतिथि विद्वान है और छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने उनकी इस स्थिति के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोषी बताया, जिम्मेदार बताया और उनसे इस्तीफे की मांग की है। आप खुद सुनिए डॉक्टर शाहीन खान ने मुंडन से पहले क्या क्या कहा। मैं ये उनसे ये कहूंगी कि अपने जिंदा होने का वो प्रूफ दे और अभी भी वक्त है, इससे पहले कि मैं अपना सर कटाने का यहाँ पर वचन दूं, वो आगे आए और हमारे अधिकारों की लड़ाई में हमारा साथ दे। दूसरी वजह यह है कि कमलनाथ जी, मैं छिंदवाड़ा से हूँ, आप छिंदवाड़ा के विकास की बात करते हैं, आप राजनीति मरे हुए व्यक्ति पर राजनीति करते हैं, आप बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं, आप छिंदवाड़ा के विकास की बात करते हैं, आज छिंदवाड़ा की इतनी सारी महिलाएं जो है बेरोजगार हो चुकी हैं, रोजगार के लिए आज इस पंडाल पर ढाई महीने से संघर्ष कर रही है, तो ऐसी क्या वजह है कि आपके अंदर थोड़ी सी भी मानवता नहीं जागी, थोड़ी सी भी हमदर्दी हम जैसे अतिथि विद्वानों के लिए आपकी नहीं जागी। तो कमलनाथ जी, तानाशाही से आप कितने वर्ष तक एमपी के सीएम बने रह सकते हैं, आप कितने दिन तक शासक बने रह सकते हैं, ये हम भी देखेंगे, ये सारा मीडिया देखेगा, ये एमपी देखेगा, ये हिंदुस्तान देखेगा। और अगर आपके अंदर हमने आपको वोट दिया है तो आपने हमको इस बात का एहसास तो जरूर करा दिया है कि हमने आपको सीएम बनाकर गलती की है, लेकिन ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी। और अगर आपके अंदर अपनी जनता के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है, कोई मानवता नहीं है, तो सीएम साहब एक महिला का मुंडन आपके शासन का अंत भी करेगा और आपको सीएम के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, आप अपने सीएम पद से त्याग पत्र दे दो। और आपने कहा था कि मेरा छिंदवाड़ा विकास करता छिंदवाड़ा, क्या कहा था आपने यही ना, तो ये विकास से आपका द्वार एक महिला का मुंडन हो रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा कमलनाथ जी कि एक महिला का मुंडन ये आपका विकास है और कुछ नहीं। और ये पूरा एमपी जान ले कि कमलनाथ जी हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, और अगर ये मुंडन तो हो रहा है होगा, लेकिन अगर आपकी इसी तरह से नीतियां चलती रही तो आए कि आपके शासन का अंत निश्चित है। और ये सब हम जनता के हाथ में है कि आपको हम कहां रखना है, हम आपको कहां रखेंगे। धन्यवाद।